हाय एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, और मैं आपकी करा रही हूँ इंग्लिश एग्जाम की तैयारी ऑन दिस वंडरफुल चैनल संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं। 26 फरवरी को आपका एग्जाम है सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चंस कितने टाइप के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो होता क्या है कि जब मैं लाइव में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करा रही होती हूँ, जो कि आपने काफ़ी लाइव में मेरे साथ देखी होगी, नहीं देखी है तो चैनल पर जाओ और देखो। लॉन्ग क्वेश्चंस में जब मैं लाइव में करा रही होती हूँ तो मैंने आपको कई तरीके के क्वेश्चंस कराए हैं। अब बच्चों का बहुत सारा डाउट रहता है। एक बच्चे ने तो इनफैक्ट मुझे बोला भी कि मैम प्लीज एक वीडियो बना दो जिसमें मुझे बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, सो दैट मैं प्रिपेयर्ड हो जाऊं, राइट? एग्जाम में क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे लिखना है उस क्वेश्चन को, कंटेंट की जो क्रिएटिंग है, मतलब क्रिएट करना है कंटेंट, वो कैसे करना है, राइटिंग कैसे करनी है, ये सब हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। अब क्वेश्चन है कि मैम इतना क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में, लॉन्ग क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? यस, 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है बच्चों। आपके एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा, 6 का ही नहीं होगा, 6+6 का होगा, दैट मेक्स इट 12। Why? Because सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका फर्स्ट फ्लाइट से आएगा और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आएगा। तो हमारे पास में 2 बुक है, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे दोनों बुक एक बार, ठीक है? पूरा पैटर्न समझ लें कि किस बुक से कैसा आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दोनों बुक से सेम क्वेश्चन आएंगे, ओके? अलग अलग पैटर्न है दोनों का, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो एक जो हमारा है वो है फर्स्ट फ्लाइट, राइट? एक जो हमारी बुक है दैट इज फर्स्ट फ्लाइट, और जो हमारी दूसरी बुक है दैट इज फुटप्रिंट्स। तो खाली फुटप्रिंट्स लिख दूंगी यहाँ पे, पूरा नहीं लिख रही हूँ, ओके? फुटप्रिंट्स आपकी जो है दूसरी बुक है। तो 2 बुक हमारे पास में है, दोनों से 6-6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, टोटल हमारा 12 नंबर। तो जितनी मेहनत हम एक लेटर को लिखने में करते हैं, जितनी मेहनत हम एक एनालिटिकल पैराग्राफ को समझने में करते हैं, उससे एक नंबर ज़्यादा मेहनत करनी है। लेटर 1.5 पेज का लिख के आते हो, 1.5 का लिख के आते हो, आप इसको 1.5 का नहीं लिखोगे, बट लिखोगे तो मतलब 1 पेज का आंसर तो लिखोगे, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो वही तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो मैं आपको लाइव में कराती हूँ इसकी तैयारी। जो बच्चे नहीं आए हैं लाइव में, अभी आना लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़ में, देखना आपको कितना मज़ा आएगा लॉन्ग क्वेश्चन करने में। अब हम लोग बात करेंगे कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे इनमें से आएंगे मैम, ठीक है? तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। आपको बता देती हूँ कि फर्स्ट फ्लाइट से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, फुटप्रिंट से किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? तो पहले मैं फर्स्ट फ्लाइट करा दूँ, यहाँ से फुटप्रिंट्स हटा देती हूँ, ठीक है? तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट फ्लाइट से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे मैम, बताइए ज़रा। सबसे पहले जो क्वेश्चन की हमको एक कैटेगरी बनानी है, दैट वुड बी, सब समझ लीजिए इसको, इट्स अ कॉम्बो क्वेश्चन कैटेगरी, ओके? कॉम्बो क्वेश्चन, ये फुटप्रिंट्स में भी आएगी, फर्स्ट फ्लाइट में भी आएगी, दोनों में आएगी। तो कॉम्बो क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया, 2 चैप्टर से कॉम्बो क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो कॉम्बो क्वेश्चन है ये किस किस बेस पे बनेंगे मैम, देखो ये आपके वैल्यू बेस्ड बन सकते हैं। वैल्यू बेस्ड का क्या मतलब हो गया बच्चों, वैल्यू बेस्ड का क्या मतलब हो गया, एक वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है स्टोरी के अंदर। जैसे मान लो मैंने बोला राजवीर, जो कि ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया के एक स्टोरी का कैरेक्टर है, एक मैंने ले लिया वल्ली, दोनों के अंदर क्या वैल्यू थी, सिमिलैरिटी एंड कंट्रास्ट, 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंट्रास्ट का क्या मतलब हो गया, क्या दोनों जो थे एक दूसरे के जैसे थे या अलग अलग थे। सिमिलैरिटी का क्या मतलब हो गया, सिमिलर, वही सेम। अगर मैं बोलूँ सिमिलर थे तो मैं बोलूँगी लाइकवाइज, है ना, सेम सेम दोनों थे, और कंट्रास्ट थे तो मैं बोलूँगी अपोजिट थे। क्लियर हो गया, ये मैंने आपको क्या लिख के दिया यहाँ, क्वेश्चन का तरीका। जैसे मान लीजिए कस्टर्ड द ड्रैगन एंड सीगल, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है या अलग अलग है, सेम है, दोनों ही डर रहे थे लेकिन जब काम करना शुरू किया तो दोनों सक्सेसफुल हो गए, करेज दिखाया और डर के ऊपर ओवरकम कर लिया, फियर पर ओवरकम किया। तो किस कैटेगरी में आएंगे बताओ, सिमिलैरिटी वाले में या कंट्रास्ट वाले में, सिमिलैरिटी वाले में। अब मैंने आपको एक और 2 कैरेक्टर दिए, मैंने बोला लेंचो था, ठीक है, फिर आपका ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट था, ठीक है, दोनों ने, जब इन दोनों को हेल्प मिली, दोनों को हेल्प मिली, राइट, गॉड से मिली, जिससे भी मिली मिली, जब इनको हेल्प मिली तो इनका बिहेवियर कैसा था, क्या ये थैंक यू बोलने गए सामने वाले को, लेंचो गया, नहीं,
ब्लैक एरोप्लेन ने ट्राई किया, पायलट ने ट्राई किया, यस कंट्रास्ट आइडिया हो गया, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। वैल्यू बेस्ड मतलब कि कंट्रास्ट और सिमिलैरिटी नहीं पूछ रहे, बस वैल्यू पूछ रहे, दोनों के अंदर क्या बिहेवियर पैटर्न आपने देखा, वल्ली और राजवीर के अंदर आपने क्या बिहेवियर पैटर्न देखा, तो दोनों ही बड़े एक्साइटेड हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कंट्रास्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिमिलर क्वेश्चन आ सकता है, सिमिलैरिटी के ऊपर, दोनों की सिमिलैरिटी बताओ। इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, डायलॉग राइटिंग मतलब कि डायलॉग लिखवा लेंगे आपसे इन दोनों के बीच में, बोलेंगे चलो इन दोनों की ना बातें कराओ। जैसे मान लो वल्ली और राजवीर कहीं घूमने चले गए, या बेकर और कुर्ग का पर्सन कहीं घूमने चला गया, दोनों आपस में मिले, एक दूसरे के ट्रेट्स के बारे में बातें करना चाहते हैं, कुछ भी क्वेश्चन बना, प्रपोजल की जो है करेक्टर ले लो, जो लेडी थी उसको किसी और, कीसा गौतमी का द बॉल पोम से कनेक्शन करा दो, गौतम बुद्धा ने जो सिखाया था बॉल पोम के जो बच्चा था उससे कनेक्शन करा दो, ग्रीफ से रिलेटेड उन दोनों की बातें करा दो। तो बातें जो कराना है ना वो डायलॉग राइटिंग होता है। इसके सेशन हमने बहुत मस्त करे हैं, आप लोगों ने लाइव में इंजॉय भी बहुत किया, बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से ना क्वेश्चन बनाते हैं, डिबेट्स बनाते हैं, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट में देखो आने के चांसेस हैं, ठीक है, कर पाएंगे। अब देखो मैंने क्यों बोला कि फर्स्ट फ्लाइट यहाँ लिखो और फुटप्रिंट्स के अलग लिखो, क्योंकि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस से मैंने नोटिस किया कि इनसे फर्स्ट फ्लाइट से मोस्ट प्रोबेबली डायलॉग राइटिंग आती है, लेकिन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से डायलॉग राइटिंग नहीं आती। तो इस तरीके के कॉम्बो क्वेश्चंस यहाँ मिलेंगे, ये सारे आपको फुटप्रिंट्स में भी मिलेंगे, लेकिन इसके साथ और क्या मिलेगा वो मैं आपको वहां डिस्कस करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैं एक बार आपको यहां बता देती हूं। बुक का नाम होगा आपका फुटप्रिंट्स, ठीक है, विदाउट फीट, चैप्टर था ये एक्चुअली ना इसके बुक के अंदर का, उसी को ही आपने यहां पे बुक भी बना दिया है, ठीक। चलो क्वेश्चंस क्या क्या हैं हमारे पास में जो आ सकते हैं, हमारे पास में क्वेश्चन आ सकता है स्पीच राइटिंग का, बोलेंगे आपसे कि रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट है और एक दिन उसको बुलाया गया कहाँ, स्पीच देने स्कूल में, कि भाई तुमने कैसे अपनी क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाया और एक साइंटिस्ट बन गए, हमारे बच्चों को भी सिखाओ, एक स्पीच देने आओ। तो ये एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे, स्पीच राइटिंग होगी। देन और भी कुछ आ सकता है, लेटर राइटिंग भी आ सकती है बच्चों। लेटर राइटिंग कैसे आएगी, नेल्सन मंडेला को भी बुला सकते हैं स्पीच देने के लिए, नेल्सन मंडेला ने बुक में स्पीच दी है ना चैप्टर में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में, तो वैसी स्पीच बोल सकते हैं, उनको वहाँ बुलाया गया वहाँ भी बोला गया, एज्यूम करो आप भी नेल्सन मंडेला हो, आपने अपनी कंट्री के लिए क्या किया है इसके ऊपर एक स्पीच दो, ऐसा भी कुछ आ सकता है, ठीक है। लेटर राइटिंग आ सकता है, रिकमेंडेशन का लेटर लिखने के लिए आ सकता है, भोली ने अपनी मम्मी को लेटर लिखा शादी के 10 साल बाद, मुझे आज कैसा लग रहा है, अच्छा शादी तो हुई नहीं थी, तो भोली ने अपनी मदर को अपनी टीचर को लेटर लिखा उस शादी वाले इंसिडेंट के 10 साल बाद, कि मैम आज मैं इस स्कूल में पढ़ाती हूँ, अब ये स्कूल हाई स्कूल से क्या बन गया है इंटरमीडिएट बन गया, 12th तक के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मतलब कॉलेज भी बन गया है अब हमारे यहाँ पे, और मैं पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश की टीचर, लेटर लिख के दो, आप टीचर से पूछो आप कैसे हैं, व्हाटएवर, ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ आपको क्या क्या चाहिए इक्विपमेंट या बुक्स या जो भी है, एक इनको ऑर्डर प्लेस करिए, लेटर लिखिए, वो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, देखो लेटर किसी भी इस पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चांसेस हैं आने के। इसके अलावा और क्या आ सकता है, तो मैंने आपको बताया स्पीच आ सकती है, लेटर आ सकता है, डायरी एंट्री भी आ सकती है ना जी, डायरी एंट्री भी आ सकती है। डायरी एंट्री में आपसे पूछा जाएगा भोली रात को गई बताओ उसने अपने बारे में पूरा दिन का क्या लिखा, तो वो बोलेगी मेरी शादी होते होते बच गई और मैंने फाइनली ऐसे ऐसे किया, सब लोगों को बुरा लगा लेकिन फाइनली मुझे लगता है मैंने जो किया सही किया। या फिर हरी सिंह चोरी करके घर से बाहर अनिल के आ गया, प्लेटफॉर्म पे बैठा वापस चला गया रात को 10 बजे, डायरी लिख रहा है, बोल रहा है मैंने सही किया फाइनली, आज मैं अनिल के पास वापस आ गया हूँ और अब मैं अच्छे से राइटिंग करना सीखूंगा। कुछ भी आपके हिसाब से जो आपको लगता है करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आप डायरी एंट्री में लिख सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा इसमें भी देखो वैल्यू बेस्ड और कंट्रास्ट क्वेश्चंस यहाँ भी आएंगे बच्चों, ठीक, कैसा भी आ सकता है, डिपेंड करता है, डायलॉग का नहीं आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कंट्रास्ट, सिमिलैरिटी, कोई कैसा भी रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्बो चैप्टर से आ सकता है। इसके अलावा आई थिंक वैसे भी दो दो ऑप्शंस होते हैं ना आपके पास में, तो देखो एक ये और एक ही आ सकता है,
एक ये और एक ऐसा आ सकता है, डायलॉग नहीं आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, फिर भी आप प्रैक्टिस प्लीज कर लेना, मैं भी करा रही हूं। इसके अलावा सिंगल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली फूड प्रिंट से ही आते हैं, सिंगल चैप्टर क्वेश्चन, जिसमें आपसे दो क्वेश्चन नहीं करे जाएंगे, एक ही चैप्टर का ही कुछ मेन पूछा जाएगा। एक्चुअली ये सिंगल चैप्टर ना हमें यहाँ भी लिख लेना चाहिए, यहाँ भी आ सकता है सिंगल क्वेश्चन, सिंगल चैप्टर क्वेश्चन, जिसमें देखो क्या आ जाएगा, किसी का कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है बच्चों, है ना, चांसेस आर कि किसी के कैरेक्टर स्केच को आपसे पूछ लिया जाए, मेन थीम ऑफ द चैप्टर आपसे पूछ ली जाए, समरी लिखने को आपसे बोल दिया जाए, सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ लिया जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन, टोन बताओ पोइट का, कोई पोम दे दे, है ना, फर्स्ट फ्लाइट में पोम है ना आपकी, तो कोई पोम दे दे आपको और बोले पोम की जो है हमको टोन बताओ पोइट की और इसके ऊपर पूरा आंसर करो, पोम की सेंट्रल आइडिया दो, पोइटिक डिवाइस पे तो नहीं आएगा इतना लंबा क्वेश्चन क्योंकि 6 नंबर का है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सेम ये जो सिंगल चैप्टर वाला है यहाँ भी आ सकता है, किसी का भी कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है, थीम आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल सम अप, पूरे लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तैयार रहना, प्लीज इसकी तैयारी अच्छे से कर लो। इसके अलावा कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, मैं लाइव में आती हूँ 11 AM पर शार्प। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।